प्रस्तुत है अलिफ लैला की कहानियों में से कुबड़े और हज्जाम की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार डॉक्टर हामिद हुसैन, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। तो बड़ा मजा आया। महीने भर घर में बंद रहने की कसर निकल गई। और वो लड़का उसने पानी में कैसा गोता लगाया था। तुमने भी तो उसे कितनी जोर से धक्का दिया था। अरे तो सैबी ने भी तो मेरी टांगों में लाठी फंसा कर गिराया था, मजा ना चखा था उसे। तुम भी कैसा मुंह बनाकर गिरे थे। बिल्कुल सड़ी गोभी जैसा। देखो मजाक ना करो। हाँ अब अपने पर आई तो चिढ़ गए। देखो वो कुबड़ा जा रहा है। हाँ। उसे ले चलते हैं। हाँ। छेड़खानी करेंगे। हाँ। क्यों ख्वाजा किधर चले। हाँ उस्ताद आप। अरे गर्दन तो छोड़ो। मस्करी मत करो, छोड़ो भी। अब ये कोई मजाक का वक्त है। हाँ मजाक का भी कोई वक्त मुकर्रर है। अच्छा ये बताओ आजकल तुम्हारा गाना बजाना कैसा चल रहा। हमें भी सुना दो कोई अच्छी सी चीज। लो घर भी आ गया, चलो अंदर आ जाओ। आज नहीं उस्ताद, अब फिर कभी। अब इस वक्त तो पेट में चूहे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इसकी फिक्र मत करो मियां, कुलचे और तली मछली हैं, सब साथ खाएंगे। हाँ चलो इधर बैठो ख्वाजा। चलो ये लो, ये मछली का बढ़िया कतला है। अरे ख्वाजा पूरा कतला एक बार में खाना है। हाँ। तुम्हें लो। अरे लो। हाँ हाँ। भाई इतना बड़ा कतला। हाँ हाँ। अरे मुझसे नहीं होगा। और फिर कांटे, अरे देखो तो इतने बड़े बड़े। कैसे नहीं होगा, रखो मुंह में। रखो। अरे कतला मुंह में जाने के बाद फिर मुंह नहीं खोलना। मुंह पर से हाथ नहीं हटाऊंगा। निकलो निकलो पूरा का पूरा कतला। अरे निकलो ऐसे। मक्कारी करता है, लेट मत, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ अरे अरे देखो तो सही, इसके हाथ पर तो ढीले पड़ गए। मुंह तो छोड़ दो, सांस घुट जाएगी। पानी तो जल्दी से। हाँ ये लो ये लो। हाँ दो। हाँ ये लो। अरे ये क्या क्या हो गया इसे, पानी भी मुंह से बाहर निकल आया। अरे क्या हो गया इसे, कहीं ये ख्वाजा। ख्वाजा ये ख्वाजा। ख्वाजा ख्वाजा उठ उठ ख्वाजा। अरे पानी पी ले। अरे अरे इसकी तो आंखों की पुतलियां भी ऊपर चढ़ गई। आंखें बंद कर दो ना इसकी, मुझे तो डर लग रहा है। ये तो सचमुच मर गया। ये तो सचमुच मर गया। अब क्या करें क्या करें। देखो इसे घर में रखना ठीक नहीं, रात का वक्त है। ऐसा करो इसे कहीं ले चलो। कहीं ले चले। लेकिन कैसे। तुम इसे उठाओ, इसे हाथों में उठा लो। हाँ हाँ मैं इस पर चादर डाले देता हूँ। लाओ जल्दी लाओ। ये लो ये लो। चलो ठीक है, इसे लेकर हकीम के यहाँ चलते हैं। हाँ ये ठीक है, हकीम के यहाँ ले चलते हैं। चलो उठाओ तो इसे। देखो ये यहूदी हकीम का घर है। कौन है। देखो हम मरीज को लेकर आए हैं, इसकी हालत बहुत खराब है। हकीम साहब को कह देना, जल्दी का कहना। हाँ वो मेरे बेटे की हालत बहुत बिगड़ रही है। अच्छा आप लोग रुकिए, मैं इत्तला करती हूँ। इसे इसे ऊपर ले चलो ना। है ऊपर ले चलो। हाँ ठीक है ले चलो। जी आ गए ऊपर। लेकिन ये तो बताओ अब क्या करना है। इस कुबड़े को यही दरवाजे के सहारे टिका दो ऐसे। ये ठीक रहेगा। अब सरक लो। चलो चलो आ जाओ। चलो मालिक। अरे चिराग दिखा। ये लीजिए। हाँ शायद मरीज सीढ़ियों से नीचे फिसल गया है। अरे ओ, अरे, ओ, 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 गजब हो गया मालिक। अरे खुदा ये तो मर गया। अब क्या करें। अरे इसे उठा। हाँ सहारा दे। हाँ ऊपर उठा। हाँ इसे ऊपर उठा कर ले चले। ऊपर तो ले आए। हाँ
लेकिन इस लाश का करेंगे क्या? इसे पड़ोसी के घर में उतार देते हैं। शाही बावर्ची क्या जो आधी आधी रात तक गायब रहता है? हाँ, शाही बावर्ची खाने से लाकर वो तरह तरह का माल रखता है वहाँ। हाँ। आटा, मैदा, घी, मक्खन और गोश्त तो रोज उठा लाता है। वहाँ तो हर वक्त कुत्ते बिल्ली कोठरी में उधम मचाते रहते हैं। इस मुर्दे को भी वहीं फेंक दो। अच्छा, शायद वो आ भी गया है। चलो, उतर गया। अच्छा। रस्सी आहिस्ता से खींच लो। अरे कौन है घर में? कौन है? अरे भाग भाग भाग। इन कुत्ते बिल्लियों ने भी नाक में दम कर रखा है। लेकिन ये तो आदमी सा लगता है। अबे कौन है बे तू? अरे अरे कुबड़े तू? अरे अरे ये तो मर गया। अब तो बुरे फंसे, लेने के देने पड़ जाएंगे। इस लाश को कहीं ठिकाने करना ही पड़ेगा। कंधे पर लाद कर इसे बाजार के नुक्कड़ पर लिए चलते हैं। वहीं किसी दीवार के सहारे खड़ा कर देंगे। अब किसी को क्या पता चलेगा कहाँ मरा है। मुद्दत हुई है यार को, मुद्दत हुई है यार को। क्या हुआ? मुद्दत हुई है यार को मेमा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेमा किए हुए। आए, और इसके आगे क्या है? जागते रहो। हाँ भैया, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हमें कोई जगाए क्यों? अरे कौन है? है दीवार पे टिका क्यों हो रहा है? क्या है? बेटा पहचान गया, पहचान गया। तो याना वो पगड़ी चोर जो उस दिन मेरी पगड़ी चुरा के ले गया था। चिराग गुल और पगड़ी गायब। कहाँ जाएगा बेटा? है है चले था, ले 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 निकाल मेरी पगड़ी। अबे निकाल मेरी पगड़ी। ए ए, अरे उतार उतार उसके सीने से। क्यों मारता है उसे? अलग हट, क्या मार डालेगा? अवलदार साहब, ये पगड़ी जो है, मेरी पगड़ी ले गया था यहाँ। अबे चल हट बे शराबी, सिर पर तो रखी है तेरे पगड़ी। चल उठ, तू भी उठ। ओए मक्कार, कैसा दम साधे पड़ा है। अरे उठ। अरे अरे अवलदार साहब, लात मत मारो, मर जाएगा साला। चुप चुप, लगता है तेरी तरह इसने भी चढ़ा रखी है। हाँ? दोनों को बंद करता हूँ हवालात में। नहीं। अरे अरे ये क्या? ये तो सचमुच मर गया। हाँ? ओ, 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 रुक रुक, तू कहाँ खिसक सकता है? तूने इसकी जान ली है, पता ये कौन है? पता थाने में मत ले जाइए। चुप, बदनाम हो जाऊंगा। अवलदार साहब, मेरा बहुत नाम है। अच्छा अच्छा, बहुत नाम है, खुदा के वास्ते मुझे मत ले जाइए। अबे चल, छटा हुआ लगता है। चुप, बहुत नाम है, बहुत। अब तो हाकिम ही तेरा फैसला करेगा। चल चल यहाँ से। ये सुबह सुबह किसे फांसी दी जा रही है और हाकिम भी खुद यहाँ मौजूद है। कोई शराबी है, रात को इसने कुबड़े गवैये को पीट पीट कर मार डाला। क्या जमाना आ गया है, रात को सड़कों पर गुंडे और शराबी खुलेआम घूमते फिरते और कोई पूछता नहीं। अरे देखो देखो, वो जल्लाद भी आ गया। रुको, अरे रुको, कातिल वो नहीं है, अब कुबड़े की जान मैंने ली है। अरे ये कौन पागल है जो दूसरे का कसूर अपने सिर ले रहा है? सुनो, फांसी रोको।
और ये कौन है? इसे इधर लेकर आओ। अच्छा तो बावर्ची है, बोल क्या कहता है। हुजूर, हुजूर कुबड़ा रात को मेरे यहाँ गोश्त और आटा चुराने आया था। मैंने उसके लाठी मारी, वो मर गया। मैं ही उसकी लाश बाजार के नुक्कड़ पर रख कर आया था। अब ये शराबी बेकसूर है हुजूर। ठीक है, जब ये खुद अपना जुर्म कबूल करता है तो शराबी की जगह इसे फांसी दी जाए। ठहरिए हुजूर, हुजूर ठहरिए, बाबाजी को फांसी ना दीजिए हुजूर, बड़ा जुल्म हो जाएगा। ये कौन है? अच्छा अच्छा हकीम, तू क्यों शोर मचा रहा है भाई? हुजूर कुबड़े की मौत बाबरची के हाथों नहीं हुई। है? तो फिर किसने इसे मारा? हुजूर कल रात दो लोग मेरे घर आए, मेरे दरवाजे पर इसे छोड़ गए। मैंने अंधेरे में दरवाजा खोला तो इसे धक्का लग गया, ये लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और मर गया हुजूर। तो फिर ये हकीम ही उस कुबड़े का कातिल है, लटका दो इसे फांसी पर। ठहरिए उधूरे वाला, ठहरिए उधूरे वाला, हकीम को फांसी पर मत लटकाइए। अरे तू कौन होता है भाई हमें हुक्म देने वाला? हुजूर मेरी भी तो अर्ज सुन ले। बोल बोल क्या कहता है। हुजूर आली कुबड़े की मौत मेरे हाथों हुई है, इन बेकसूरों को सजा ना दीजिए हुजूर। अच्छा अच्छा तो हकीम को छोड़ो और इस दर्जी को फांसी पर चढ़ा दो। अरे हटो हटो, ये बादशाह सलामत का चौकीदार आ रहा है। बादशाह सलामत झरोके से मुकदमे की सारी कार्रवाई मुलायजा फरमा रहे हैं। उनका हुक्म है कि चारों मुलजिमों को मैं लाश के दरबार में हाजिर किया जाए। हम जो मुकदमे की सारी रुदात सुनी, अब दर्जी तू बता, क्या तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? जहां पना, मुझे जो कहना था मैंने अर्ज कर दिया, लेकिन अगर हुजूर की इजाजत हो तो मैं वो सब जरूर सुनाने की ख्वाहिश करता हूँ जो मुझ पर कुबड़े की मौत से पहले गुजरी। इजाजत है हुजूर? कल मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी। फिर जब हम लोग खाने पर बैठने लगे तो मेरा दोस्त अपने साथ एक नौजवान को लिए हुए आया। हर एक इस नौजवान की तरफ मुतवज्जो हुआ क्योंकि वो बड़ा खूबरू और शकील था, लेकिन एक बात देखकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। वो क्या? हुजूर वो एक टांग को घसीट घसीट कर चल रहा था। अभी वो बैठा ही था कि मेहमानों में से एक शख्स को देखकर चौंक उठा। वो कौन था? एक बूढ़ा हज्जाम हुजूर। नौजवान उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा, बेजबान आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ, कैसे चले? अरे अरे रुको तो सही, ये मनहूस हज्जाम इस महफिल में भी? मैं यहाँ एक पल नहीं ठहर सकता। लेकिन इससे ऐसा क्या कसूर हो गया? बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ, बाप बड़ा सौदागर था, उसके मरने पर मुझे बड़ी दौलत मिली, बड़े आराम से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था, सामने एक तख्त पड़ा था, मैं उस पर बैठ गया। इतने में क्या हुआ? कुछ खटका हुआ, मैंने ऊपर नजर डाली तो एक खिड़की का पट खुला हुआ था, उसमें से एक लड़की का हसीन हाथ दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के बाहर लगे पौधों में पानी डाल रही थी। थोड़ी देर में दूसरा पट भी खुला और उसमें एक हसीन चेहरा दिखाई पड़ा। अच्छा, मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर रह गई, ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर क्या हुआ? पहले खाना पीना बंद हुआ, फिर बाहर निकलना चलना फिरना, फिर उठना बैठना, फिर मैं बिस्तर से लग गया। अच्छा फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ एक बूढ़ी अन्ना आती थी, बड़ी खुर्राट और काइयां, बोली, बेटा मैं तेरा दुख पहचान गई, दुख देने वाली का नाम बता दे, पता मैं खुद ढूंढ लूंगी,
तीसरे दिन सामने ला कर ना खड़ा कर दूं तो नाम बदल देना। फिर तीसरे दिन वो वापस आई। खुशखबरी लाई हूँ, जुमे के दिन काजी नमाज पढ़ने जाता है, वापसी में 2 घंटे लगते हैं, तुझे उसी वक्त बुलाया है उसने। तो तुम गए वहां? सुबह होते ही नौकर को भेजा कि हज्जाम को बुला लाए। वो गया तो इसी कमबख्त मर्दूद हज्जाम को घेर लाया जो इस वक्त महफिल में मौजूद है। आते ही बोला मियां, लगता है मिजाज नासाज है, देखो तो सही कैसा मुंह निकल आया, देखकर अफसोस होता है। अरे ये बकवास बंद करो और हजामत करो, मुझे और भी कई काम करने हैं अभी। और अब इस गठरी में से क्या निकाल रहे हो ये? हुजूर ये एक आला है, हाथ में लेकर देखिए। ये है क्या? कमाल की चीज है, एक एक सितारे का हाल बताता है। वाह 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 वाह, ये तो हजामत के लिए बड़ी अच्छी घड़ी है। और हाँ, इससे ये भी पता चल रहा है क्या? कि आपकी किस मन चाहे शख्स से मुलाकात होगी। लेकिन इसमें आपके लिए कुछ परेशानी है। देखो मैंने तुम्हें हजामत के लिए बुलाया है, ये फजूलियातें सुनने के लिए नहीं। सरकार मैंने आपके वालिद साहब की भी हजामत की है। ओ खुदा मेरे बाप पर रहम करे जो तो जैसे शख्स को जानता था। जी मेरी हजामत कर और चलता बन। सरकार आपकी ही तो खिदमत में लगा हूँ। अच्छा जब बस सब खामोश, फिर बकवास शुरू कर दी। देख मुझे एक दावत में जाना है, जल्दी से हजामत पूरी कर दे। हाँ सरकार हमें भी याद आया, मैंने भी आज अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है, और दिमाग को देखिए क्या हुआ है, हुजूर के पास आने की जल्दी में भटियारे से भी कहना भूल गया। अब क्या होगा, आज तो बड़ी बेइज्जती होगी सरकार। जी हुजूर। जाओ बावर्ची से कहो बावर्ची खाने में जो भी तैयार है वो सब का सब यहाँ ले आए। खुदा सरकार को दरिया दिली का अज्र दे। अब तू हजामत पूरी कर ताकि मैं हमाम जा सकूं। अरे वो तो मैंने पहले ही भांप लिया था, आपने किसी औरत से मुलाकात की ठानी है। चुप, मैं अब भी कहता हूँ मुझे साथ रखें, फायदे में रहेंगे। दूर हो खबीस, जितना मौका मिलता है उतने ही पंजे गड़ाता जाता है। अब जाओ और अपने दोस्तों की खातिर कर। अच्छा तो सरकार मुझे तरखा रहे हैं, देखिए बताए देता हूँ मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं यही हूँ, तू जल्दी लौटना। जी जा, ये सामान घर रखा पहले। जी अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या हुआ? उसकी मक्कारी तो देखिए, मेरे घर से सारा सामान संभाल कर तो निकल गया, लेकिन नुक्कड़ पर पहुंचते ही सामान तो किया हम्माल के सुपुर्द और खुद करीब की गली में छुपकर बैठ गया। अच्छा वक्त भी काफी निकल गया था, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और काजी की गली में पहुंचा। फिर बुढ़िया वहां पहले से मौजूद थी, मुझे फौरन ऊपर ले गई। मैं पहुंचा ना था कि गली में शोर हुआ, मैंने खिड़की में से नीचे झांक कर देखा तो ये मनहूस हज्जाम तख्त पर बैठा खिड़की पर टिकटिकी लगाए देख रहा था। उधर काजी हाथ धोकर खाने पर बैठा, लौंडी ने काप सामने लाकर रखी, उसमें मक्खी थी। काजी ने गरम गरम शोरबे की वही काप लौंडी के मुंह पर दे मारी। वो बेताब होकर चिल्लाई तो एक गुलाम उसकी मदद को लपका। काजी किसी वजह से भरा बैठा था, जूता उठाया और गुलाम को पीटना शुरू कर दिया। बचाइए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, बस बस। गुलाम ने चीख पुकार मचाई तो क्या हुआ? हज्जाम समझा कि काजी मुझे पीट रहा है, उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। बचाओ मेरे मालिक को, काजी मार डालता है। क्या हुआ? क्या बात है,
यहाँ भीड़ क्यों लगाई है? अरे मारो इसे, ये जालिम है, बना है काजी, इंसाफ का रखवाला, हम लोगों को अपने घर में बंद करके मारता है। हमारे मालिक को बाहर निकालो। अरे तुम्हारा कोई मालिक वालिक यहाँ पर नहीं है, हैं? यहाँ वो कैसे आया? अरे तेरी बेटी ने उसे बुलाया था, तू उसे अपने गुलामों से पकड़वा कर पिटवा रहा था। अरे उसकी चीखें हमने सड़क पर सुनी है, बाहर निकालो उसे। सुनो, अगर तुम सच्चे हो तो ढूंढ लो अपने मालिक को, आओ। हज्जाम लपक कर घर में घुस गया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। एक खाली संदूक दिखाई दिया, मैं उसी में घुस गया। जल्दी जल्दी में दामन का एक कोना बाहर रह गया। हज्जाम ढूंढता हुआ आया, दामन का कोना देखा तो समझ गया, लपक कर संदूक उठाया और सिर पर रखकर भाग निकला। अच्छा, फिर बचे कैसे? जैसे ही हज्जाम सड़क पर आया, मैंने संदूक खोलकर बाहर छलांग लगाई, जमीन पर औंधे मुंह गिरा। संदूक भी हज्जाम के हाथों से छूटा और मेरी टांग पर गिरा, और ये टांग टूट गई। बहुत बुरा हुआ। अब अपनी टांग घसीटता मैं जिधर भागता, हज्जाम शिकारी कुत्ते की तरह आ मौजूद होता और शोर मचाता जाता। उसके साथ साथ सड़कों पर घूमते छोकरे भी मेरे पीछे लग गए। तकलीफ से और गुस्से से लगता था कि वहीं दम निकल जाएगा। अरे अरे, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मारे शर्म के बगदाद में रहना दूभर हो गया, फिर इस शहर में आ गया, अपना कारोबार शुरू किया। ख्याल था जिंदगी चैन आराम से गुजरेगी, लेकिन मुकद्दर तो देखिए कि वो खबीस यहाँ भी मौजूद है। अब मेरे लिए यहाँ एक पल भी ठहरना दूभर है। अरे अरे, रुको रुको, छोड़िए, हटिए। ओह, चला गया मियाँ हज्जाम। देखा, आपकी वजह से हमारा अजीज रूठ कर चला गया। जनाब, आपको खुद उसने बताया कि मैंने उसे काजी के चंगल से कैसे बचाया। अब आप खुद इंसाफ कीजिए कि क्या उसकी इन बातों को एहसान फरामोशी नहीं कह सकते? लगता है वे तुम्हारी बकबक की आदत से चिढ़ गया है। मैं और बकबक? कमाल है साहब। अच्छा, एक बार मुझ पर जो गुजरी वो सुनिएगा तो आप खुद मान जाएंगे। एक दिन अपने काम पर से मैं लौट रहा था, देखा दरिया के किनारे किश्ती लगी है और लोग उसमें चढ़ रहे हैं। मैं भी उनके साथ हो लिया। दूसरे किनारे पर पहुंचे तो पुलिस खड़ी थी, सब लोगों को उन्होंने हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी, मुझे भी। जब बादशाह के सामने पेशी हुई तो पता चला कि वो 10 नामी डाकू थे। उन्होंने काफिलों को लूटा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि 10ों की गर्दनें उड़ा दी जाएं। अच्छा? मैं ये सब सुनता रहा और मुझसे कुछ बोला ना गया। जब हाकिम को मेरा किस्सा मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए और मुझे 100 अशरफियां इनाम में देकर छोड़ दिया। देखा आपने, मैं कितना कम बोलता हूँ। अजी, अगर आप मेरे 6 भाइयों में से एक से भी मिले तो आपको पता चल जाए कि बोलना किसे कहते हैं। ओहो, तो तुम्हारे 6 भाई भी हैं? जी, वाँ, वाँ। मेरा एक भाई कुबड़ा है, उसका नाम है बकबक। दूसरा बकवास, वो पोपला है। तीसरे को बूबक कहते हैं, वो अंधा है। चौथा काना है। पांचवा निहायत काहिल है। और छोटे भाई शाह कबक के होंठ खरगोश जैसे हैं। यानी कि आप सब के सब ए भी हैं? यही तो वजह है कि वो हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। फंसता मुसीबत में मैं भी हूँ। एक मर्तबा 10 डाकुओं में फंस गया। सुनाऊंगा वो किस्सा, पहले मेरे भाइयों के किस्से सुन लीजिए। जहां पना हज्जाम जब अपने उन 6 भाइयों के किस्से सुना चुका तो फौरन 10 डाकुओं का किस्सा छेड़ बैठा। खुदा खुदा करके वो भी पूरा हुआ। और जब मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ हुजूर, तो दिन के 3 पहर निकल चुके थे। घर पहुंचा तो क्यों मियां, तब के गए अब नजर आ रहे हो? खुद तो सैर सपाटे करते हो और मुझे चूल्हे में आंखें फोड़ने छोड़ जाते हो। आज मैंने भी खाना नहीं बनाया है। क्या कह रही हो बेगम, भूख के मारे बुरा हाल है मेरा। होने दो, तुम्हारी सजा यही है कि अभी इसी वक्त मुझे सैर के लिए दरिया के किनारे ले चलो।
अब वहीं से मछली और कुलचे खरीद लाएंगे और घर आकर प्यार से खाएंगे। चलो ना। चलो चलो उठो उठो चलो। ठीक है ठीक है चलते हैं। चलो तो इस तरह हुजूर बीवी को सैर कराई और खरीदी मछली। ये वही मछली थी हुजूर जिसे खाकर कुबड़ा अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया। ओ खुदा की कसम हुजूर हमारी नीयत उसे मारने की बिल्कुल नहीं थी। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे जहां पना। फौलाद खान ये किसको घसीट कर ला रहे हो? चल चल। हुजूर ये हज्जाम है, मैंने इसे मूंछ तराशने के लिए बुलाया था। फिर ये तुम्हारी एक ही मूंछ क्यों तरशी हुई है? झगड़ा तो यही है हुजूरे वाला, इसने 2 घंटे में 1 मूंछ बनाई और 6 भाइयों का किस्से सुनाए और अब कहता है कि दूसरी मूंछ तब बनाऊंगा जब 10 डाकुओं का किस्से सुनाऊंगा। जा बना, ये वही हज्जाम है, आप इसे ना छोड़े हुजूर। हुजूरे वाला मैं अपने कसूर की माफी चाहता हूँ। आपकी बख्शिश के तो चीन और हिंदुस्तान तक में चर्चे हैं कि आप हर एक को माफ कर देते हैं। इसी दरबार में मुलाहजा फरमा लें, बाकी सब ताजीमन खड़े हैं और ये कुबड़ा मजे से लेटा हुआ है। बेवकूफ हज्जाम, ये कुबड़ा जिंदा नहीं, ये उसकी लाश है। हुजूर लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में बड़ा मजा आता है, जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया। भाई फौलाद जरा झोले में से चिमटी तो निकाल कर दीजिए, डरिए नहीं आपकी मुझे नहीं उखाड़ूंगा। फौलाद भाई ये मुंह खोल दिया है कुबड़े का, थोड़ा इसे पकड़ लें और मैं चिमटी अंदर डाल रहा हूँ। ये रहा। माशाल्लाह कुबड़े मियाँ, अब उठ आइए, देखिए हुजूरे वाला ये मछली का काटा फंसा था इसके हलक में। माँ बदौलत इस बात को तस्लीम करते हैं कि हज्जाम फन माहिर है, किसी तरह जबान को काबू में रखना सीख लिख ले तो अल्लाह की मखलूक का बड़ा बड़ा भला हो सकता है। लेकिन हुजूर बुढ़े तोते नहीं पड़ते। अभी आप सुन रहे थे अलिफ लैला की कहानियों में से कुबड़े और हज्जाम की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे डॉक्टर हामिद हुसैन, भाग लेने वाले कलाकार थे अख्तर वारसी, अबरार हसन, राजेश, कीर्ति कुलश्रेष्ठ, दिनेश राय, अशोक बुलानी, आशा मिश्रा, पुष्पा तिवारी, अरशद इकबाल, अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी, सुनील वैद्य, आशीष चंदवासकर और रविकांत। इस नाटक में प्रस्तुति सहयोगी डॉक्टर सुषमा तिवारी और प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली।